हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर राजन बंसल है। मैं इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी जयपुर में कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे ऐसे प्रोसीजर के बारे में जो कि यूरोलॉजी में काफी कॉमनली किया जाता है, और ये प्रोसीजर है सर्कमसीजन। मेरे पास ओपीडी में काफी पेशेंट आते हैं जिन्होंने सर्कमसीजन के काफी मेथड्स पड़े होते हैं, और वो कंफ्यूज होते हैं या वो डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि उनको कौन से प्रोसीजर या कौन से मेथड को अडॉप्ट करना चाहिए। सर्कमसीजन करने के काफी तरीके हैं। जो तीन इम्पोर्टेंट प्रोसीजर जो हैं जो कॉमनली पढ़े या देखे जाते हैं वो है कन्वेंशनल तरीका, कन्वेंशनल सर्कमसीजन, दूसरा है लेजर सर्कमसीजन, तीसरा है जो कि जो लेटेस्ट है और जो कि काफी फ्रिक्वेंटली किया जा रहा है आजकल, वो है स्टेपलर सर्कमसीजन, जिसको कि ZSR स्टेपलर सर्कमसीजन भी बोला जाता है। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको तीनों ही प्रोसीजर के बारे में बताऊंगा, और तीनों प्रोसीजर से रिलेटेड जो आपके डाउट्स हैं उनको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। पहला, सर्कमसीजन क्या होता है और ये क्यों होता है। सर्कमसीजन, जिसको कि हम कॉमन लैंग्वेज में खतना भी बोलते हैं, ये एक बहुत ही छोटा प्रोसीजर है। इस प्रोसीजर के अंदर हम पेनिस की फोर स्किन को हटाते हैं। इसको करने के दो रीजन होते हैं, मेडिकल नॉन मेडिकल। मेडिकल रीजन के अंदर आता है फाइमोसिस, यानी कि पेनिस की स्किन का चिपक जाना, रिकरेंट पैराफाइमोसिस। इसके अंदर स्किन टाइट होती है, स्किन पीछे तो रिट्रैक्ट हो जाती है लेकिन आगे नहीं आ पाती है। स्किन में बार बार इन्फेक्शन होना, रिकरेंट मेलेनोपोस्टाइटिस, फंगल इन्फेक्शन होना या बार बार यूरिन में इन्फेक्शन होना, ये कुछ कारण है जिसमें कि हम लोगों को सर्कमसीजन करना होता है। दूसरा है नॉन मेडिकल रीजन, जो कि कुछ रिलीजियस पर्पस से किए जाते हैं। अब जैसा कि मैंने बोला था, सर्कमसीजन के तीन तरीके हैं, कन्वेंशनल, लेजर, स्टेपलर सर्कमसीजन। तो सबसे पहले मैं जो बात करूंगा वो कन्वेंशनल सर्कमसीजन के बारे में बात करूंगा। ये जो प्रोसीजर है ये काफी समय से किया जाता रहा है और अभी भी किया जाता है। इस प्रोसीजर के अंदर हम पेनिस के ऊपर जो फोर स्किन होती है उसको कट करते हैं और स्टिच लगाते हैं। जो स्टिच लगाते हैं वो बुलने वाले स्टिच होते हैं, जो कि दो हफ्ते के बाद नॉर्मली अपने आप शेड आउट हो जाते हैं या निकल जाते हैं। जो ये जो कन्वेंशनल सर्कमसीजन है इसको हम लोकल एनेस्थीसिया में करते हैं। दूसरा तरीका है लेजर सर्कमसीजन। इस प्रोसीजर के अंदर हम जो पेनिस के ऊपर फोर स्किन है उसको लेजर से कट करते हैं। जो लेजर होता है, पर्टिकुलर लेजर जो यूज होता है, ये पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, जिसकी हेल्प से हम पेनिस के ऊपर जो फोर स्किन है उसको कट करते हैं। इसका एडवांटेज ये होता है, जो लेजर स्किन को कट करता है साथ के साथ जो ब्लड वेसल्स होते हैं उसको भी कॉगुलेट करता रहता है, जिसके कारण इस प्रोसीजर के अंदर ब्लड लॉस नहीं होता है। स्किन को कट करने के बाद इसके अंदर भी वही घुलने वाले टाके लगाए जाते हैं। तो बेसिकली जो दोनों प्रोसीजर को कंपेयर करें, कन्वेंशनल सर्कमसीजन को और लेजर सर्कमसीजन को, तो दोनों के अंदर ही हम लोग स्टिच यूज करते हैं। जो डिफरेंस है वो ये है कि हम कन्वेंशनल के अंदर सर्जिकल ब्लेड से स्किन को कट करते हैं और लेजर के अंदर हम लेजर फाइबर से पर्टिकुलर एनर्जी प्रोड्यूस करके वो स्किन को कट किया जाता है। सिर्फ कट करने का तरीका अलग होता है, रेस्ट ऑफ द प्रोसीजर जो बाकी का जो प्रोसीजर होता है वो डिट्टो होता है। अब बात करते हैं स्टेपलर सर्कमसीजन की। ये काफी नया और मॉडर्न एडवांस तरीका है, आजकल बहुत फ्रिक्वेंटली यूज किया जाने वाला सर्कमसीजन के लिए ये प्रोसीजर है। इस प्रोसीजर के अंदर सिर्फ 3 मिनट लगते हैं ऑपरेशन करने में। इसमें हम फिर लोकल एनेस्थीसिया देके पेशेंट को रेडी करते हैं। फिर इसके अंदर एक स्पेशल डिवाइस यूज किया जाता है जिसको कि ZSR स्टेपलर बोलते हैं। इस स्टेपलर की मदद से हम पेनिस के ऊपर की फोर स्किन को कट कर देते हैं। इस प्रोसीजर के अंदर हम जो ZSR स्टेपलर है उसको पेनिस के ऊपर प्लेस करके जो स्किन है उसको एक साथ पूरा कट कर देते हैं। इसमें ग्रेजुअल कट नहीं होता है। इस प्रोसीजर के अंदर कोई ब्लड लॉस नहीं होता है। और दूसरा जो इसका एडवांटेज है, इसके अंदर जो कट होता है वो काफी कॉस्मेटिकली बेटर होता है। कट करने के बाद एक सिलिकॉन रिंग प्लेस करता है जिसकी मदद से स्टेपलर जो होते हैं वो प्रॉपरली प्लेस रहते हैं। ये जो सिलिकॉन रिंग होती है और पिंस होती है ये 1 से 2 हफ्ते के अंदर अपने आप झड़ जाती है। याद रखिए, आपके पास सर्कमसीजन कराने के लिए ये तीनों ऑप्शन है, आप कोई भी चूज कर सकते हैं। ये तीनों ही प्रोसीजर हो जाने के बाद तीनों के अंदर ऑलमोस्ट रिकवरी बराबर होती है। स्टेपलर सर्कमसीजन में बाकी प्रोसीजर के कंपेयर में रिकवरी थोड़ी फास्ट होती है। कन्वेंशनल और स्टेपलर सर्कमसीजन मोस्ट कॉमनली किए जाने वाले सर्कमसीजन है, क्योंकि इन दोनों ही प्रोसीजर में स्कार ज्यादा नहीं बनता है और कुछ समय के बाद पता भी नहीं चलता है। लेजर में इस बात का रिस्क होता है कि स्कारिंग थोड़ी सी ज्यादा होती है, इसलिए पर्सनली मैं लेजर सर्कमसीजन बाकी दोनों सर्कमसीजन के कंपेयर में कम प्रेफर करता हूँ। तो ये थी सारी डिटेल्स तीनों प्रोसीजर के बारे में।
लेकिन आप कोई भी प्रोसीजर अपने यूरोलॉजिस्ट से डिटेल में डिस्कस करके ही चूज करें। आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे मुझे डायरेक्ट कॉल या मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू।